हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड तो देखिए, मेरे पास ये पुरानी लाइटें रखी हुई थी, तो आज मैं इनका यूज करूँगी अपने गार्डन में। मेरे पास ये बहुत समय से रखी हुई थी, आजकल इनको कोई नहीं लगवाता है। इनमें हम छोटी जड़ वाले प्लांट लगाएंगे, जैसे कि सुंदर लगेंगी। अब हम इनके होल में, ये हमारे पास छोटा सा दिया रखा हुआ था, इनको इस होल को कवर कर देंगे इन दियों से, ताकि इनका ड्रेनेज अच्छा रहे, इनमें पानी जमा ना हो। फ्रेंड यदि हम किसी भी गमले में प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी रुक जाता है ना, तो फिर प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें ड्रेनेज का पूरा ध्यान रखना होता है। फ्रेंड अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, हमें बिल्कुल हल्की मिट्टी भरनी है इसमें। ज़्यादा वजन की मिट्टी भरेंगे तो ये कांच टूट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें मिट्टी भर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे प्लांट्स की कटिंग लगा देंगे। ये मैंने छोटे वाला स्नेक प्लांट लिया है, जिसकी छोटी वैरायटी होती है ना, ये वही है, इसको लगा दूंगी मैं। इसको लगाने के बाद इसके हल्के हल्के हाथ से इसमें मिट्टी डाल दें और थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें, ताकि प्लांट अच्छी तरह से इसमें जम जाए। अब मैं दूसरी लाइटों में जेड प्लांट की कटिंग लगाऊंगी। फ्रेंड मैंने अपने बड़े वाले जेड प्लांट में से कुछ ये कटिंग कट की हैं, अब इन्हीं को हम छोटा करके इन लाइटों में लगा देंगे। इनकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाती हैं, और इनकी जड़ें भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हम इनको छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड ये प्लांट लगाने के बाद इसी तरह से मैं अपने दोनों लाइटों में जेड प्लांट की कटिंग लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने तीनों लाइट्स में प्लांट लगा दिए हैं। अब हम इनको कहीं पर हैंग करेंगे। हैंग करने के लिए हम इसके ऊपर एक डोरी बांध लेंगे, जिससे हम इसको कहीं पे भी लटका सकें। फ्रेंड मैंने इनको डोरी से बांध दिया है, अब हम इनको लटकाएंगे। देखिए कितने सुंदर हमारे प्लांटर लग रहे हैं। फ्रेंड पीछे वाली दीवार को इग्नोर करना। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। राधे राधे।